नमस्ते। आज मैं रंगों के बारे में बात करूंगा। जैसे रंग से पहले कला में रेखांकन का महत्व होता है, मेन रेखांकन होता है, क्योंकि हम रंग कहाँ पूरेंगे। ऐसे तो रंग हैं ऑलरेडी नेचर में, तो जहाँ देखो वह रंग ही है। तो रंग कैसे दिखाई देता है, हम रंग को डिवाइड कैसे कर सकते हैं। पहले मैं कुदरत से जो होता है उसकी बात करूँगा, बाद में जो ऑर्गिक कलर हुआ है उसकी बात करूँगा, और बाद में मैं सिंथेटिक कलर्स पर बात करूँगा। मैं कलर थियरी नहीं लेता हूँ, मैं यहाँ सिखाने नहीं बैठा हूँ। और तो हमारे पास हजारों आजकल फाइन आर्ट्स या क्लासेस हो गए, उसके हिसाब से सब सिखाते हैं। मैं उसका मूल तत्व को लेके बात करूँगा, और ये तत्व अभ्यासिक तत्व बाद में बना, पहले नेचुरली था, नेचर से ही हमने सब सीखा है। वो बात में आज थोड़ी सी मेरी समझ में है, वहाँ तक ही करूँगा। कलर मेन प्रधान है, नोट डाउट, पर कलर कहाँ रखना है, कैसे रखना है, क्योंकि भावनाशील है। कलर से बहुत सारी भावनाएं पैदा होती हैं, अलग अलग रंगों के अलग अलग भावना होती है, एक ही रंगों के अनेक भावनाओं आकार पर जाती हैं। जैसा आकार वैसा रंग, वैसे उसके भावनाओं, इसके इमेज, इसकी इम्प्रेस, सब होता है। तो कलर हम देख कैसे सकते हैं, कलर प्रकाश की हाजिरी बिना, यानी उजास की हाजिरी बिना हमको नहीं दिखाई देगा। वो कलर रात को वही होता है, रात को अंधेरा है, इसलिए कलर हमको नहीं मिलेगा। इसका मीनिंग कि सूर्य की किरणों के साथ कलर के कुछ जोड़ाव नेचुरली हैं, तभी तो हम जो चीज़ पर प्रकाश पड़ता है वो चीज़ का कलर का अनुभव होता है, ऐसे कलर दृश्यमान है। बाकी कलर प्रकाश बिना अदृश्य है, और तो सब मानेंगे, यानी कुदरत की हाजिरी में ही कलर दिखाई देता है, सूर्य किरणों की हाजिरी से कलर हमको दिखाई देता है, नेचर का हो या आर्टिफिशियल। देखने के लिए प्रकाश की जरूरत होती है, किंतु हम वही कलर को ब्लैक एंड व्हाइट में देखना है तो कितना टोन लेना पड़ेगा। तो कलर ब्लैक एंड व्हाइट में भी कलर का भावना पैदा होती है, वो आप ब्लैक एंड व्हाइट और कलर फोटोग्राफ से ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ करोगे तो आपको, आजकल तो टेक्निक है, तो आप देख सकते हो कि येलो कलर ब्लैक एंड व्हाइट में क्या है स्थान, रेड कलर का ब्लैक एंड व्हाइट में क्या है स्थान, ब्लू कलर का ब्लैक एंड व्हाइट में क्या है स्थान, और उसके साथ जुड़ा हुआ जो सेकेंडरी कलर या टर्शरी कलर या फोर्टेज कलर या टोटली मिक्सिंग कलर के शेड कैसा दिखाई देता है ब्लैक एंड व्हाइट में, वो अनुभव करना जरूरी है। इससे पहले हम रेखांकन के महत्व करेंगे। रेखांकन का महत्व क्या है, रेखा क्या चीज है, क्या वास्तव में रेखा है। हम जब फिगर करते हैं या बिल्डिंग करते हैं या लैंडस्केप करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो पहले रेखांकन तो करते हैं, तो सामने रेखा दिखाई देती है क्या। बस वो रेखा पकड़ के जो काम करता है इसको क्रिएशन कहते, वही सही आर्टिस्ट कर सकता है। रेखांकन के उस स्थान पर पार्क पर बैठे तो फॉर्म बाहर आता है, और रेखांकन हम कैचअप कैसे करें, हम इसको स्केच भी कहते हैं, कि स्केच ही रेखा है, तो हम रेखा को इतनी झड़प से कैसे मेमोरी में डाल के पेज पर ड्रॉ कर सकते हैं। जितना आपका विजन पावर वाला, यानी विजुलाइज पावर वाला है, यानी देखने का बहुत स्ट्रांग
इमेजिनेशन आपके साथ हैं तो आप रेखा को एकदम स्पीड से बाहर ला सकते हो, और वो प्रैक्टिस बिना नहीं होता। रेखा में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस बिना रेखांकन हम कैचअप नहीं कर सकते। तो रेखांकन कैचअप करने के लिए क्या हमको ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा? जो चीज़ को हमको पेपर पर लाना है उसको परफेक्ट देखना पड़ेगा। उसको देखो, उसके साथ के उसका बैकग्राउंड को देखना पड़ेगा, बैकग्राउंड के साथ उसका फोरग्राउंड देखना पड़ेगा। इस सबसे अलग करना और इसकी सीमा का जो अंत है वहाँ से हम रेखा शुरू करते हैं तो फॉर्म ऑटोमेटिकली बाहर आ जाते हैं। किंतु वो कैसे होता है, यही सबसे बड़ा बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन है, इसलिए बराबर स्केच नहीं कर सकते हैं। मानो हम एक तालाब पे बैठे हैं, तालाब में बहुत सारा बग हैं, पानी में हंस हैं, पानी में लोटस हैं, और सब पानी के साथ जुड़ा हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमें दोनों को अलग कलर से ही होगा, कलर बिना तो रेखांकन पकड़ नहीं सकते। तो व्हाइट बॉर्डर जहाँ पूरी होती है उसको कैचअप करके इमेजिनेशन करके पावर लगा के बैक बुक पर लाओगे तो ऑटोमेटिक बग बाहर आ जाएगा। तो वो बग का जो मरोड़ रेखांकन है, मोमेंट वाला अलग अलग टाइप का रेखांकन है, उसका शार्ट 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 करके लाना पड़ेगा, स्ट्रोक करके लाना पड़ेगा, पॉइंट फाट करके पॉइंट फाट करके पॉइंट करके लाना पड़ेगा। तो उसको हम रेखांकन कहेंगे। और रेखा पकड़ने के लिए कल मैं आपको दिखाऊंगा कि रेखा कितनी झड़प से पकड़ी जाती है और एकदम मेमोरी में आ जाते हैं। आप मोबाइल में सब मेमोरी कर लेते हो, बस ये माइंड ही समझो नहीं, आप मोबाइल में सामने रखते हो ना, यानी इसका लेंस से वो वस्तु के सामने जाएगा तो ऑब्जर्व होगा और फोटो टेक्निक से वो अंदर आ जाएगा। वही टेक्निक हमारे में से उत्पन्न हुआ है, हमारी आँख सेम लेंस है, यानी आँख में रियल लेंस होता है और उसके अंदर पट हैं, उसमें प्रतिबिंब होता है और उसमें जो ज्ञानेन्द्रिय है वो जागृत होती है और कैचअप कर लेती और माइंड में मेमोरी हो जाता है। वो एक कुदरती टेक्निक है, कुदरती वो टेक्निक बनाया है, मानव ने इसको बाहर निकाला है और कैमरे में लिया है। तो हमारे पास से ही वो वहाँ गया तो हम क्यों ऑब्जर्व न करें, हम क्यों कैचअप न करें, हम क्यों कैचअप करके उसको कैच में डालें? वो जो पावर लाना है वो स्केच बिना नहीं आता है, आपको पहले स्केच तो करना ही पड़ेगा। हाँ, स्टार्ट में आपको वो तकलीफ रहेगी क्योंकि आपको स्केच की प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए वो तकलीफ रहेगी। तो इसके लिए आपको पुराने कलाकारों का जो ड्राइंग किया है, स्केच किया है, उसकी प्रैक्टिस करो। कहीं फोटो देख के बनाओ, कहीं ट्री देख के बनाओ। तो आज की बातें मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, पर जब कोई कलाकारों ने स्टार्ट किया होगा तब उसके सामने तो कोई कलाकृति नहीं थी, उसको तो उस मगज के पावर से, उसके कैचअप पावर से, उसकी इमेजिनेशन से, उसका ऑब्जर्वेशन से, उसका कलर स्टडी से वो कैचअप करके फॉर्म को पाड़ दें पेपर पर। कला को घंटों तक वो जगह वो बैठा रहता है और ऑब्जर्व करता रहता है, ऑब्जर्व करेगा इतना उसके माइंड में जाएगा। मैं आप एक एग्जांपल दूं कि वो कैसे मगज में पाचन होता है। आप गांव में कहीं गए होंगे, कहीं भी आपने एनिमल देखा होगा, बैल या गाय देखा होगा, वो जब खाना खाते हैं तब झड़प से खाना खा लेते हैं, बाद में ठंडी पानी बहुत पी लेते हैं, बाद में एक ठंडी जगह ट्री के नीचे बैठ जाता है, फिर वो मुंह हिलाते हैं बैठा बैठा, ऐसे मुंह हिलाएगा, वो क्या करता है, वो वागोड़ता है, गुजराती भाषा में वागोड़ता है, यानी एक घुटता है, जो खाया है कच्चे कच्चा वो वापिस निकालता है, उसको फिर से चबाता है, परफेक्ट परफेक्ट चबाता है, यानी मंथन करता है, बहुत मंथन करता है,
पाचन रस को अंदर डालता है, वो बाद में जो कचरा बचा वो भी जाने देते हैं, वो मर के हिसाब से निकल जाते हैं, वो पाचन के हिसाब से बॉडी में जो गया उससे उसकी बॉडी हेल्थ बनती है। ऐसा ही हमारा ऑब्जर्वेशन का है। आप बार बार देखो, घुर घुर के देखो, घुर घुर के देखो, जब बहुत देखोगे वो आपके माइंड में चित्र छप गया। जब आप घर पे जाओगे या कोई जगह पर जाओगे और बैठोगे तब वो मेमोरी करना, उसको फिर से बोलो यानी मंथन करना। हर बार मंथन करो तो आपके माइंड में परफेक्ट फिगर धीरे धीरे बैठ जाएगी, प्रयोग करो, बैठ जाएगी, आएगी, छटक जाएगी, आएगी, छटक जाएगी, आएगी, छटक जाएगी, आएगी जाएगी आएगी जाएगी, धीरे 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 स्टेडी हो जाएगी और माइंड में एक मेमोरी हो गया। फिर आपको माइंड को डिस्टर्ब किए बिना एक ही लिंक, जिसको आप योग बोलो कुछ भी बोलो, वो करना पड़ेगा। मेडिटेशन जैसा ये है, रियली एक सबसे बड़ा मेडिटेशन है। आर्टिस्ट सबसे बड़ा मेडिटेशन घंटों तक करता है, तभी उसकी कल्पना जागृत होती है, इमेजिनेशन बाहर आता है और फिर वो मास्टरी हैंड द्वारा काम कराते हैं। हैंड तो कभी काम नहीं करता, वो ऑर्डर मानता है। माइंड में जो आपके दिल से जो चीज़ पसंद आई उसको आपने माइंड में संग्रह किया, वो इमेजिनेशन आप पेपर पर हैंड द्वारा निकालोगे। एक प्रक्रिया साइकोलॉजिस्ट है, एस्थेटिक्स में वो सब सौंदर्य शास्त्र का आता है। सौंदर्य शास्त्र का अर्थ इंग्लिश में एस्थेटिक्स कहते हैं। एस्थेटिक का जिसको अभ्यास है वो बहुत बढ़िया काम कर सकता है। सौंदर्य शास्त्र दिखाना वो आर्टिस्ट के लिए एक अभ्यास है। पहले का अभ्यास ऑब्जर्वेशन था, वो आज भी है, वो चला नहीं गया है, तभी तो विकास हुआ है। तो ये सब बातें बहुत हैं जो मैं आगे भी करूँगा।